हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना ही स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेम्बरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके YouTube के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि दस्तावेज की जो जालसाजी होती है, मतलब कि जो दस्तावेज को जाली बनाना होता है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्जरी। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कि दस्तावेज की जो जालसाजी होती है उसको बोलते हैं फॉर्जरी। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि जालसाजी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर मतलब कि जो अपने सगे भाई की हत्या कर देता है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में। तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे फ्रेट्रीसाइड ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेट्रीसाइड बोलते हैं जो अपने भाई की हत्या कर देता है उसको बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट मतलब कि जो अत्यधिक उत्तेजना की जो स्थिति होती है, तो अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंजी। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट के लिए जो वन वर्ड यूज करेंगे फ्रेंजी। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट मतलब कि कला के कार्यों को दिखाने के लिए एक कमरा या फिर भवन के लिए जो वन वर्ड यूज करेंगे ये क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा गैलरी। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट मतलब कि जो कला के कार्यों को दिखाने के लिए एक कमरा या फिर एक भवन के लिए जो वन वर्ड यूज करेंगे गैलरी, मतलब जिसको बोलते हैं प्रदर्शनी स्थल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंजरी टू द नोज फिंगर्स और टोज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड मतलब कि अत्यधिक ठंड के कारण नाक, उंगलियों या फिर पैर की उंगलियों में चोट के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉस्ट बाइट। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंजरी टू द नोज फिंगर्स और टोज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड मतलब कि अत्यधिक ठंड के कारण नाक, उंगलियों या फिर पैर की उंगलियों में जो चोट होती है उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे फ्रॉस्ट बाइट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एटसेट्रा फॉर मनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पैसों आदि के लिए जो खेल खेलना होता है जिसको हम लोग जो है जुआ बोलते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैम्बल। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पैसों के लिए जो आदि के लिए खेल खेला जाता है जिसको हम लोग जुआ बोलते हैं उसको बोलते हैं गैम्बल। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड मतलब कि अच्छा भोजन तैयार करने या फिर उसकी सराहना करने का जो विज्ञान और कला होता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भोजन तैयार करने और उसकी सराहना करने का जो विज्ञान और कला होता है उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे गैस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक जाति या फिर एक समुदाय का विनाश के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेनोसाइड, मतलब कि नरसंहार। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी मतलब कि एक जाति या फिर एक समुदाय का जो विनाश होता है उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे जेनोसाइड, मतलब कि नरसंहार। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पृथ्वी के इतिहास और चट्टानों का जो विज्ञान होता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा जियोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स मतलब कि जो पृथ्वी के इतिहास और चट्टानों का जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं जियोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 द सब्सटेंस दैट किल्स जेम्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब कि वह पदार्थ जो कीटाणुओं को मारता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मिसाइड। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा पदार्थ जो कीटाणुओं को मारता है मतलब कि जेम्स को मारता है उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 वन हु ईट्स टू मच मतलब कि जो बहुत अधिक खाता है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लटन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन हु ईट्स टू मच मतलब कि जो बहुत अधिक खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि पेटू। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रीडली, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। लालची की तरह खाना, इसके लिए वन वर्ड जो यूज करेंगे ये गोबल यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो लालची की तरह खाता है उसको बोलते हैं वन वर्ड में गोबल। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 डन और ऑब्टेंड विदाउट पेमेंट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भुगतान के बिना किया गया जो कार्य होता है या फिर प्राप्त किया गया जो कार्य होता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटिस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है ग्रेट्यूटस, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताने के लिए आपको जो है दोनों लिखे हुए हैं, आपको कभी भी ऑप्शन में जो है दो ऑप्शन साथ साथ नहीं मिलेंगे, मैंने आपको बस बताने के लिए जो है दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं। ग्रेटिस ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन जो बी में दिया है ग्रेट्यूटस ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको बस बताने के लिए समझाने के लिए दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं, कभी भी आपको साथ साथ दोनों ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। डन और ऑब्टेंड विदाउट पेमेंट मतलब कि भुगतान के बिना जो किया गया कार्य होता है उसको बोलते हैं निशुल्क, तो उसके लिए जो है ग्रेटिस यहां पे करेक्ट हो जाएगा और बी ऑप्शन में जो दिया है ग्रेट्यूटस ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेगेरियस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रेगेरियस बोलते हैं ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 द ड्रग दैट कॉजेज वन टू हलूसिनेट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक ऐसी दवा जो किसी की मति को भ्रम करती है उस दवा को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको वन वर्ड में बोलते हैं हलूसिनोजेन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हलूसिनोजेन ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी दवा जो किसी की मति को भ्रम करती है उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे हलूसिनोजेन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, मतलब कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है खुशी है, ये विश्वास है, तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेडोनिज्म। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ऐसा विश्वास है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ये खुशी है, उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे हेडोनिज्म। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 फेथफुल सपोर्टर्स,
तो फेथफुल सपोर्टर्स के लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, तो वफादार समर्थकों के लिए वन वर्ड यूज़ करेंगे हैंचमैन। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वफादार समर्थक के लिए वन वर्ड यूज़ करेंगे हैंचमैन। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब कि ऐसे जानवर जो वनस्पति खाते हैं, एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, तो इसके लिए वन वर्ड यूज़ करेंगे हर्बीवोरस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऐसे जानवर जो वनस्पति खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रचंड शक्ति या फिर प्रचंड आकार का होना, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरकुलियन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हरकुलियन बोलते हैं उसको, जो प्रचंड शक्ति या फिर प्रचंड आकार का होता है उसको बोलते हैं हरकुलियन। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अत्यंत शक्तिमान। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें विभिन्न प्रकृति के तत्व होते हैं उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए वन वर्ड यूज़ करेंगे हिटीरियोजीनियस। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें विभिन्न प्रकृति के जो है तत्व होते हैं उसके लिए वन वर्ड यूज़ करेंगे हिटीरियोजीनियस। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, अ प्लेन फिगर विद सिक्स साइड्स एंड एंगल्स, मतलब कि छह भुजाओं और कोणों वाली जो एक समतल आकृति होती है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, ये आप सभी को पता होगा हेक्सागन बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाई फायर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आग से बड़े पैमाने पर जो नुकसान होता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होलोकास्ट। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाई फायर, मतलब कि आग से बड़े पैमाने पर जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं होलोकास्ट। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मर्डर ऑफ अ मैन। तो मर्डर ऑफ अ मैन मतलब कि जो किसी एक आदमी की हत्या कर दे उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, होमिसाइड। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि एक जो आदमी की हत्या कर दे उसको बोलते हैं मर्डर ऑफ अ मैन, मतलब कि होमिसाइड। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है पैट्रीसाइड होता है, कि जो पिता की अपनी हत्या कर दे उसको बोलते हैं पैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड जो होता है ये अपनी माता की जो हत्या कर देता है उसको बोलते हैं मैट्रीसाइड। और इन्फेंटीसाइड क्या होता है, जो नवजात शिशु की हत्या कर दे उसको बोलते हैं इन्फेंटीसाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें समान प्रकृति के तत्व होते हैं उनके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होमोजीनियस। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें समान प्रकृति के तत्व होते हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब कि एक ऐसी नौकरी जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑनरेरी। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब कि एक ऐसा पद या फिर एक ऐसी नौकरी जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑनरेरी। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एटसेट्रा। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट एटसेट्रा, मतलब कि सब्जी फल आदि उगाने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एटसेट्रा, मतलब कि सब्जी फल आदि उगाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, मतलब कि बागवानी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, फोंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट।
तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मेहमानों की जो मनोरंजन होता है या फिर मेहमान नवाजी होती है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉस्पिटेबल। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट। तो यहाँ पे मेहमानों की जो मेहमान नवाजी होती है उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इमेजिनरी एलिमेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो काल्पनिक रोग होते हैं उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इमेजिनरी एलिमेंट्स के लिए वन वर्ड यूज़ करेंगे क्या, ये करेंगे हाइपोकेंड्रिया। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाइपोकेंड्रिया बोलते हैं इमेजिनरी एलिमेंट्स के लिए। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि काल्पनिक रोग। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, वन हु अपोजेस एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और बिलीफ्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ऐसा आदमी जो स्थापित संस्थानों या फिर मान्यताओं का जो विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूर्तियों और छवियों की पूजा के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइडियोलट्री। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइडियोलट्री बोलते हैं जिसको हम लोग मूर्ति पूजा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो इसमें कॉन्ट्ररी टू लॉ के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, जो कानून के विपरीत कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।